हेलो दोस्तों आपने यूट्यूब की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है गाइज़ आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ गया हूँ गाइज़ आप आप लोग तैयार हो जाइए नौकरी के लिए आपको नौकरी मिलेगी मैं आपके कुछ सवाल हैं क्या मेरिट आपकी मिनिमम पर रोक दी जाएगी क्या आपकी मेरिट मिनिमम पर सेट होगी क्या आपकी सीट बढ़ाई जाएगी क्या कारण रहेगा कि आपकी सीट को बढ़ाया जा सकता है क्या आपकी मेरिट यहाँ पर कम पर रोक दी जाएगी तो गैज़ सभी सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ ये गाइज़ जो डीडीसी में एक कैंडिडेट है उनके द्वारा बताई गई है डीडीसी में यहाँ पर आपकी कट ऑफ़ को मिनिमम पर रोक दिया जाएगा क्योंकि गैज जो आपका पेपर कैंसिल होने की कगार पर आ गया था धांधली हुई थी चीटिंग हुई थी उसके कारण गैज़ आपकी कट ऑफ़ को मिनिमम पर रोका जा सकता है ताकि जो मेहनती बच्चे हैं उनकी मेहनत बेकार ना जाए तो गैज़ आपको पूरी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से देने वाला हूँ आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे गैज़ तो मैं आपको पूरी जानकारी देते देता हूँ आगे बढ़ लेते हैं तो गैज़ आप लोग पूरी जानकारी ध्यान से देख लो जैसे कि आप लोगों को पता है आपका 28 फरवरी का पेपर कैंसिल होने के कगार पर था चीटिंग के कारण यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ आपने सुनी होगी यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर कि 28 फरवरी का एग्ज़ाम कैंसिल होगा कह देखो ये एग्ज़ाम आपका कैंसिल तो नहीं होगा बात की जाए अगर देखो मैक्सिमम मिनिमम कट ऑफ क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ जैसे जनरल है और सबसे मिनिमम होता है ओ OH एच या पी एच ऑर्थोपेडिकली हैंडी और फिजिकली हैंडी कैप्ड मिनिमम कट ऑफ क्या होता है मान के चलो आपका मैक्सिमम कट ऑफ जा रहा है बहत्तर नंबर और मिनिमम जा रहा है गाइज़ आपका पचास नंबर तो गाइज़ ऐसा हो सकता है कि चीटिंग के कारण जिन बच्चों को चीटिंग की वजह से प्रमोट किया गया है उनके कारण से जो आपके मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत से पेपर दिया है पेपर जाकर दिया है कोई भी डिवाइस का यूज़ नहीं किया है उनके लिए हो सकता है कि कट ऑफ को मिनिमम पर रोक दिया जाए जैसे सौ नंबर है सौ में से ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ को पचपन पे रोक दिया जाए ये एक आइडिया लगाया जा रहा है टी के द्वारा क्योंकि गाइज जो आपकी धांधली हुई थी इसकी जो भी जांच चल रही है उसके जांच के अनुसार काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर एक तरह से कन्फ्यूज़न में है जो भी चीज़ें कन्फ्यूज़न में है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो कट ऑफ को मिनिमम पर रोका जा सकता है तो गाइज़ आपको इस वजह से आपको फ़ायदा मिल सकता है 2021 में क्योंकि एक तो कोरोना गया है ऊपर से आपके पेपर में चीटिंग हुई थी इस वजह से गाइज़ आपको फ़ायदा मिल सकता है इस चीज़ का ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे ये एक पूरा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि कट ऑफ को मिनिमम पर रोका जा सकता है एक बच्चे ने मेरे से कमेंट करके बोला था कि सर क्या सीट बढ़ेगी या घटेगी अब मैं सीट के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि आपकी सीट बढ़ेगी या घटेगी ठीक है आपको मैं एक पूरी जानकारी दे देता हूँ सीट बढ़ेगी या घटेगी देखो आपकी टोटल सीट कितनी है पोस्ट कितनी है चार सौ इकतीस इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा दस गुना बच्चे को टोटल बच्चे हो जाएंगे चार हजार तीन सौ दस अब देखो सीट गाइज आपकी उतनी ही रहेगी ना तो सीट घटेगी ना सीट बढ़ेगी लेकिन यह है कि कट ऑफ आपकी चीटिंग के बाद में चीटिंग के बाद में आपकी कट ऑफ को मिनिमम पर रोका जा सकता है कट ऑफ को मिनिमम पर रोका जा सकता है गाइज देखो कोई भी बच्चा गलत कमेंट नहीं करेगा अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम में धांधली चल रही है एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे फिर मैं इसके ऊपर आपके लिए एक ट्विटर का अभियान चलाऊंगा, ठीक है आप लोग कमेंट करके बताएंगे गलत कमेंट कोई बच्चा नहीं करेगा अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी आपको अच्छी नहीं लगी तो गैज़ आप लोग जा सकते हो मैं ना आपके लिए कुछ एफर्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो मिनिमम पर रोक दी जाए सभी के लिए अगर आपको क्योंकि गैज़ कई बार एग्ज़ाम में हो चुका है जिन पेपर में चीटिंग हो जाती है किसी वजह से उनकी कट ऑफ को मिनिमम पर रोक दिया जाता है ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ठीक है वीडियो को लाइक करके जाएंगे अगर आपको जानकारी पसंद आई आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना ओके गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में